वहाँ भी हजारों लोग स्वामी जी के आशीर्वचन सुनने को एकत्रित हो रखे थे। इन दोनों सभाओं में स्वामी जी महाराज ने लगभग 1,00,000 लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिलाया। आइए हम देखते हैं कोंडा गांव व जांजगीर चांपा में आयोजित योग दीक्षा सभाओं के मुख्य अंश। कोंडा गांव में आकर के तो ऐसा लगता है यहाँ की पूरी जनता, सब ग्रामवासी वनवासी, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, माँ बहन बेटियों से लेकर के इन पिता तुल्य सब हमारे वरिष्ठ नागरिकों का एक बार सबके ओर से अभिनंदन है। आपकी योग निष्ठा को, आपकी राष्ट्र निष्ठा, गुरु निष्ठा को प्रणाम है। आज मैंने सुना है कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया हुआ है। बंद के आह्वान के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपकी निष्ठा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भाई बहनों, आइए मिलकर के प्रार्थना के दो शब्द पहले बोलेंगे, उसके बाद में आगे कुछ बोलेंगे, मिलकर के सब गाएंगे। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, प्रभु जी इतन, सब गाइए, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा, कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का, मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वंदे वंदे। आज नवरात्र पर देवी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, दुर्गा आदि अनेक रूप जिस भगवती मां के हैं, इन श्रद्धामयी माताओं बहनों को प्रणाम करता हुआ और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र मिलेगा और शास्त्र मिलेगा। शास्त्र होता था धर्म बोध के लिए, आत्मबोध के लिए, मुक्ति के लिए, और शस्त्र होता था पाप अधर्म अन्याय के विनाश के लिए। और वही काल अभी भी आया हुआ है, अभी भी यही काम हमें करना है। एक तरफ हमें अपने जीवन में सत्य धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना करनी है, एक कदम में हमें पापों की ओर नहीं बढ़ाना है। अपने जीवन में किसी का भी बुरा ना हो, सुबह से शाम तक हम अपना और जगत का हित करते जाएं।